गाइस कार नाइन आंच पर लाइव शे तो हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो अगेन। और आज मैं बना रही हूँ एयरलाइन स्कर्ट जो बहुत ही इजी है, दो तीन स्टिचेस में ही बन जाएगी ये स्कर्ट। सो सबसे पहले फोर फोल्ड कर लेते हैं इस स्टॉल को। पुरानी स्टॉल शॉल है, वैसे पुरानी शॉल है जो साइड पे ख़राब हो चुकी थी, तो उसी को स्कर्ट बना रही हूँ मैं। तो पहले क्या मेजरमेंट लेना है कि पहले लेंथ, वेस्ट और हिप, सिर्फ थ्री मेजरमेंट्स चाहिए। और मेजरमेंट लेने के बाद फैब्रिक को फोल्ड करना है फोर पार्ट्स में। और देखिए ये ख़राब हुआ था यहाँ पे, तो उसके बाद काट लेना है। तो उसके बाद दो तीन चार स्टिचेस में ही बन जाएगी आपकी स्कर्ट। तो यहाँ मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है और इस पर लगेगी, ये होगी वेस्ट। और जहाँ पे मैं कुछ नहीं लगा रही हूँ, इलास्टिक वगैरह कुछ भी नहीं होगा, बस साइड पे एक जिप होगा। तो इजी वे टू मेक स्कर्ट, एयरलाइन स्कर्ट, बस तीन चार स्टिचेस में ही बन जाएगी ये स्कर्ट। सो ये है साइड स्टिच। यहाँ मैं डबल स्टिच दे रही हूँ, एक साइड पे पूरे बॉटम से वेस्ट लाइन तक स्टिच कर देना है और दूसरी ओर जिप के लिए थोड़ी सी जगह रखना है। वो मैं आपको दिखा रही हूँ आगे। सो ये बन गई वन साइड और दूसरी ओर ये रही वेस्ट। तो दूसरे साइड पे भी मैंने स्टिच कर ली, बॉटम से लेके जहाँ तक चेन की लंबाई है वहाँ तक। तो वहाँ तक डबल स्टिच दे दी और यहाँ पे होगी जिप की स्टिचिंग। अभी जहाँ पे जगह खाली छोड़ा था वहाँ पे फोल्ड करना है फैब्रिक को और साइड से स्टिच कर देना है। मैं स्टिच कर रही हूँ जहाँ पे जिप लगेगी, तो दोनों तरफ से करने से बेहतर है, पर मैंने एक ही साइड किया था उसके बाद जिप लगाना शुरू किया, तो पहले ही दोनों तरफ से करने से ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ जिप। तो आपने देखा होगा दो तीन स्टिचेस चाहिए, दोनों साइड से दो स्टिचेस और वेस्ट पे एक स्टिच और यहाँ पे जिप लगाना है। और बॉटम के लिए मैं यहाँ पे जिगजैग स्टिच लगाने की सोच रही हूँ। जो बॉटम पार्ट होगी वो मैं सबसे लास्ट में करूँगी, तो आप देखते रहिए वीडियो को। तो ये जो शॉल है ये बहुत ही पुराना है और वैसे ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मेरी बहन ने कहा कि उसके लिए स्कर्ट बना दो, एयरलाइन स्कर्ट, क्योंकि विंटर भी है और गरम स्कर्ट पहनना अच्छा भी लगता है। तो चलो ठीक है, मैंने कहा बना देती हूँ, तो ये मैं उसके लिए बना रही हूँ मेरी बहन के लिए। तो देखते रहिए उसको इस स्कर्ट को बनने के बाद, पहनने के बाद कैसा दिखेगा, देखते रहिए आप। ये लग चुकी चेन यहाँ पे और यहाँ में, देखिए ये चेन लग चुकी है सिर्फ दो स्टिच में, ये हो गया। और तो साइड में जो है ये खुल जाता है, तो मैंने यहाँ भी जिगजैग स्टिच दिया है, देख सकते हैं आप। और जो बॉटम पार्ट है उस पर भी मैंने जिगजैग स्टिच दिया है।
जो कि शायद कर्ली लुक देगी, जो एजेस है स्कर्ट के वो कर्ली लुक देगी। तो आप तो रेडी है अब ये स्कर्ट, ए लाइन स्कर्ट। वेस्ट थोड़ी सी लूज होगी बट चलेगा, थोड़ी सी लूज होगी, देखते हैं ट्राई करके। सो ये है फाइनल लुक गाइस, स्कर्ट नहीं ना चप्पल आई बिशे। तो ये है फाइनल प्रोडक्ट स्कर्ट जो मैंने अभी अभी सिलवाया। साइड व्यू देंगे मेरे मॉडल, साइड व्यू। ओ वेरी नाइस, लवली 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 लवली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब सब्सक्राइब द चैनल। क्या हुआ? सी इन द नेक्स्ट वीडियो।